खाना खत्म, बर्ड्स खत्म, टाटा बाय बाय। लाइन से लगे पड़े भाई घाट। एक ऐसा है तुम देखते देखते थक जाओगे, ये खत्म होते होते नहीं थकेंगे भाई लोग। ये यहाँ की वन ऑफ द फेमस बोट्स में से एक है जिसका नाम जलपरी कहते हैं भाई। फिलहाल अपने लिए गंगा का पानी लेके जाने वाले अपन लोग। चलो फिर रिक्शा में बैठते हैं और चलते हैं काशी विश्वनाथ। गाइज मैं आपको रात वाले कुछ घाट दिखाता हूँ जो हम लोग रात की बोटिंग में एंजॉय किए थे। यहाँ पे है जानकी घाट और इस साइड पे है ये बदानी घाट, और भी ऐसे लाइक लाइन से लगे पड़े भाई घाट। एक ऐसा है तुम देखते देखते थक जाओगे, ये खत्म होते होते नहीं थकेंगे, इट्स जस्ट लाइक दैट। और अभी दोबारा यहाँ से टर्न हम लोग दूसरी साइड से लेने वाले हैं जहाँ पे हम साइबेरियन बर्ड्स को फीड करेंगे और मस्त आनंद उठाएंगे उस चीज़ का। तो चलते हैं भाई लोग। ये यहाँ की वन ऑफ द फेमस बोट्स में से एक है जिसका नाम जलपरी कहते हैं, और मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो द लिविंग मरमेड लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ बड़े मैंने बोट्स दो ही देखे हैं, एक तो ये और रात को अपना एक अलकनंदा क्रूज। तो लाइक अलग ही लेवल पे बिल्ड है भाई, अलग ही लेवल पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई लोग ये थे साइबेरियन बर्ड्स आपके लिए प्यारे। खाना खत्म, बर्ड्स खत्म, टाटा बाय बाय। भाई फिलहाल अपने लिए गंगा का पानी लेके जाने वाले अपन लोग। भाई लोग बोटिंग का अपना सेशन हो चुका है खत्म, और उसके बाद अभी अपना प्लान है काशी विश्वनाथ जाने का। और तो उसके लिए फटाफट एक हैंड रिक्शा, सॉरी मैनुअल रिक्शा इस बार हम लोग दोबारा से लेने वाले हैं, जैसे कि हम रात में लिया था, क्योंकि जो ई रिक्शा रहता है वो आगे चौक से आगे नहीं जाएगा, वो वहीं छोड़ देगा आप लोगों को। तो बेटर है कि जो मैनुअली ड्रिवन रिक्शा होता है वो लो। चलो फिर रिक्शा में बैठते हैं और चलते हैं काशी विश्वनाथ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। Two thousand years later. One eternity later. भाई लोग फिलहाल थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया है कपड़ों में, थोड़ा कंफर्टेबल भी होना है। बैग नीचे अपने रखा देंगे काउंटर पे ताकि फालतू का एक्स्ट्रा पेमेंट ना पड़े, क्योंकि रात को हम लोग 8 बजे के आसपास चेकआउट करेंगे यहाँ से। बैग नीचे लगा देंगे बस।
भाई लोग अभी बज रहा है शाम का 5:19 हो रहा है और अभी शाम की आरती का भी टाइम हो चुका है। लाइक मैं पूरा दिन लग गया हमको, लाइक हम लोगों ने स्टार्ट किया था सुबह 10:30-11 बजे से और अभी शाम का 5:30 बजने वाला है, जिसमें हमने सिर्फ दो टेम्पल कवर करवाए हैं, एक तो काशी विश्वनाथ और एक शक्तिपीठ माता का जो टेम्पल है वो कवर किया है, और छोटे मोटे टेम्पल जो उनके साथ में वो चीज़ हमने कवर करी है। तो लेट्स सी अभी आरती अच्छी जगह से देखने मिलती है तो देखते हैं, नहीं तो फिर अपना शाम का प्लान है निकलने का यहाँ से और बाय बाय करने का बनारस को, तो शाम इंजॉय करो। भाई एक चीज़ हम बताना भूल गए कि हम अन्नपूर्णा माता का भी टेम्पल लेकर हम लोग कवर करके आए हैं, वो भी देखा, और वहाँ पे भाई साहब जो खाना, अरे हाय हाय जो स्वाद था वहाँ का। बगल में भंडारा हो रहा है, देख 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 देख, लाइक मजा आ गया सब। मैंने सच में ओवर ईटिंग करी है खाने के चक्कर में, क्योंकि भाई इतना टेस्टी खाना रहता है ना वहाँ का, यू शुड मस्ट ट्राई। अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो, बाहर का खाना छोड़ो, अन्नपूर्णा माता के मंदिर जाओ, वहाँ पे जाके फ्री का खाना तोड़ो, अलग लेवल स्वाद है भाई, अलग लेवल। और पेट भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम खाते खाते ना तुमको पता नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा पेट कब भर गया, जब उठोगे ना तब पता पड़ेगा भाई कि हाँ ज़्यादा खा चुके हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है आज। तो खाने को पचाते चलते चलते घाट तक और शाम की आरती देखते अगर देखने को मिल जाए तो। चंदन क्या ठंडक देता भाई, मतलब आके वो लोग लगा देते सीधा और फिर दक्षिणा मांगते, बट जो भी है ठंडा ठंडा तो लग रहा है। और काशी आए और ये तिलक नहीं लगवाया तो भाई क्या करवाया तुमने, एक कहावत है जो कि हमने अभी अभी बनाई है तो उसको कोट मत करना कि पहले की है नहीं है, तो बस यही है कि काशी नहीं आए और तिलक नहीं लगवाया तो क्या किया। हमारा ब्लॉग भी एंड कर दिया, प्लान बी सेफ एंड राइट सेफ एंड सब तक के लिए सायोनारा।